जमैका पिया दे शराब ते हैं एनर्जी ड्रिंक है मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। मैंने अपने भाइयों के लिए ना सिर्फ 2-2 रुपए वाली ली है, उससे ज्यादा की नहीं ली। पूरा पैसा खर्च करके आना है आज तो। यहाँ पे कहते हैं कि सोने की मछली है, अब किधर है पता नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साक्षी और मेरी यूट्यूब चैनल मिस गुप्ता ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज का ब्लॉग शॉपिंग ब्लॉग होगा और क्योंकि रक्षाबंधन आ चुका है आप लोग को तो पता ही है और पता नहीं कब है, 11 को है या 12 को है ये डिसाइड नहीं है क्योंकि कहते हैं रात को बंधेंगी दिन को बंधेंगी कुछ पता नहीं है अभी। तो चाहे जब भी हो यार, शॉपिंग करने से मतलब है मुझे तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने और बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग में तो शॉपिंग लिस्ट बना के आज जा रही हूँ और पूरा पैसा खर्च करके आना है आज तो। अभी फिलहाल चलो चलते हैं। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। सो चले पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। किसके यहाँ? पता नहीं, सही गए थे वो अपनी फ्रेंड के ससुराल गए हुए थे। भाई भी आपका चलो, अच्छा चलो चलो चलो। और कुछ लेना है? हम ले चुके, हमें क्या लेना है? इतने पैसे भी खर्च करवा चुके हो अभी और तुम्हें करवाने हैं। चलो अच्छा गाइस, फाइनली कपड़े आ गए हैं और राखी भी ले ली है और राखी मैंने अपने भाइयों के लिए ना सिर्फ 2-2 रुपए वाली ली है, उससे ज्यादा की नहीं ली क्योंकि मुझे मिलने सिर्फ 1 ही रुपए है तो 2 रुपए की मैंने राखी बांध दूंगी बहुत है। सो राखी भी ले चुकी हूँ, कपड़े ले चुकी हूँ और मेरे लिए कुछ मिला ही नहीं तो शॉपिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। और भैया कहता है मैं तुम्हारे लिए कवर लेके आता हूँ मोबाइल का क्योंकि बहुत ही रद्दी क्वालिटी का तुम कवर यूज कर रही हो और मेरा इस टाइम पे बिल्कुल 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 खराब ही है, कवर भी खराब है और टच इसका खराब है आप लोग देख सकते हैं। तो इसे कह रहा है कि मैं आज चेंज करवा दूंगा, वही मेरा राखी का गिफ्ट होगा। डलवा लें, फ्री में पड़ रहा है तो डलवा ही लें। वैसे देखो टेम्पर भी टूट चुका है इसका, पूरा टूटा टूटा यूज कर रहे हैं समझ लो। सबसे पहले कुछ खाएं, पेट पूजा करें। दारू पीने जा रहे हैं भाभी। रेडबुल, रेडबुल ही है ये। ड्रिंक ड्रिंक तो नहीं भैया? एनर्जी ड्रिंक होती है। एनर्जी शराब वराब तो ना है भैया? जो मैं कभी याद है शराब तो है एनर्जी ड्रिंक है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। भाई मैंने आज तक का ये सब चीजें नहीं पी है, आज मैं फर्स्ट टाइम में पिया है मैंने इसको। रेडबुल, रेडबुल एप्पी आती है उसे भी मुझे लगा करता था पहले वो शराब है, लेकिन अब तो खैर पीने लगी हूँ, पहले नहीं पीती थी। पहले लगता था भाई शराब है, इससे दूर रहो। टेस्ट कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। घर निकले, काफी लेट भी हो गया। देखो इतनी सारी शॉपिंग बैगे बैग रखे हैं सब यहाँ पे। सो अभी चलते हैं घर, पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। बहुत सारे पैसे उड़ा चुके हैं हम, अब नहीं उड़ाना है 1 रुपए। सो चलो चलते हैं घर, पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। अरे पानी है तो क्या करोगे भाई, आ जाओ। कितना डरती हो यार। यहाँ पे कहते हैं कि सोने की मछली है, अब किधर है पता नहीं है। ये यहाँ इस वाले में पूरा जाओ ना, उधर सरक ना जाओगी। चलो हम पकड़ ले। नहीं नहीं हम ना जाएंगे, हम आगे ना जाएंगे भाई। अच्छे से उखाड़ो,
इस बार लगता है पानी ज्यादा पा गई है सूजियाँ। अच्छी है ना? हाँ, पीली पीली हो गई है, पक गई है। चलो, ये किसके किसके यहाँ होता है सब लोग कमेंट करके बताना। तो दादी ने प्रथा चलाई थी तब से हो रही है, तो कुछ लोग क्या नहीं भी होती है हमारे यहाँ है होती है। और सब लोग क्या करता है, ये इसलिए होती है ताकि इससे पता चल जाता है कि हमारे जो किसान लोग के खेत वेत में कैसे क्या अच्छी फसल होगी कि नहीं होगी ऐसा कुछ। बाकी इससे देख के तो लग रहा है कि अच्छी फसल होनी चाहिए। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना, बाय गाइस, बाय।